हटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। किसी का विकास किया है ना किसी का साथ दिया, इन्हीं ने दो अपनी औलादों का साथ दिया है, अडानी और अंबानी का। यहाँ पर डेली वेजेस की भर्ती हो रही, सरकारी डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं, स्टाफ नहीं, दवाइयाँ नहीं है, यहाँ तक कि मशीनें नहीं है। शहर का हाल ये है, शहर की पानी की निकासी नहीं है, एक तरह से बरसात में डीएम ऑफिस भीग जाता है, भर जाता है, एसपी ऑफिस भीग जाता है। तो गंदगी का तो वो आलम है कि मैंने शायद अपनी जिंदगी में इतनी गंदगी नहीं देखी। दूसरा, लोग पानी की दिक्कत है, बिजली नहीं है बहुत सी जगह, सड़कें खराब हैं, मतलब हालात तो बहुत ही बदतर हैं। तो उन्नाव में कोई ऐसा महाविद्यालय नहीं है जहां लड़कियां एमएससी की पढ़ाई कर सकें। 30 लाख की आबादी है, यहां की बच्चियों को पढ़ने के लिए कानपुर लखनऊ जाना पड़ता है। मुझे भी मैं शर्मिंदा हूं उस बात के लेकर के कि मैं जिनको वोट देता रहा उन्होंने इस लायक उन्नाव को नहीं समझा कि यहां एक महिला विद्यालय होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल सिंह, यूपी तक में आपका स्वागत है। यूपी तक के खास प्रोग्राम यूपी किसका मैं, आइए आज हम बात करने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं हमारे साथ, ये बताएंगे कि आने वाला 2022 किस करवट बैठेगा, किसकी झोली में मुख्यमंत्री की सीट जाएगी। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। राजेश जी, ये बताइए, उन्नाव जनपद किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है, कलम और तलवार की धनी धरती कही गई है इसे, लेकिन यहाँ पर स्थानीय मुद्दे अगर देखे जाएँ तो बहुत है, तो इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय मुद्दे तो बहुत ही हैं, मतलब उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जो उन्नाव है, उन्नाव के दुर्भाग्य है कि उन्नाव में 5 बीजेपी के विधायक हैं, उन्नाव में सांसद भी बीजेपी का है, उन्नाव में जिला पंचायत सारा सब कुछ बीजेपी का है। और जैसा कि लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार भी है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र सरकार में सरकार, लेकिन उन्नाव की दुर्दशा इससे पहले कभी नहीं हुई। लोगों ने, सरकार ने नारा दिया था गड्ढा मुक्त सरकार, लेकिन आज उन्नाव की हर सड़क पे, हर गली में गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्नाव जनपद के लिए कोई काम नहीं किया। जो पुरानी सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने काम किए थे, उन काम को भी इन्होंने सत्यानाश कर दिया। जैसे उन्नाव से शुक्लागंज की रोड बनाई थी, अखिलेश यादव जी ने 2016 में उसका उद्घाटन किया था, दोनों तरफ लाइटें लगी थी, लेकिन आज वो लाइटें कहीं अता पता नहीं, ना लाइट कोई जल रही है। इसी तरीके से 2016 में माननीय अखिलेश यादव जी ने एक उन्नाव से बाईपास दिया था, उन्नाव से दोस्ती नगर के लिए, उसका 41.68 करोड़ रुपए PWD में आ गया था। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी उन्नाव के लिए वो बाईपास हमारे सदर विधायक जी नहीं बनवा पाए, ना सांसद जी बनवा पाए, ये बहुत ही उन्नाव के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे आज भी उन्नाव पिछड़ा हुआ है, क्या उसका बड़ा कारण ये माना जा सकता है कि जो भी सरकार आई है उन्होंने अनदेखा किया है इसको? नहीं, सभी सरकारों ने अनदेखा नहीं किया है। माननीय पिछली सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो आप उन्नाव में कई काम देख सकते हैं। जैसे गांधीनगर शुक्लागंज की रोड आप देख लीजिए, आप ये रेलवे क्रॉसिंग जो पुराना अस्पताल है, ये ओवरब्रिज देख लीजिए। उन्नाव के लिए अखिलेश यादव जी ने बहुत काम किया, उन्नाव में ट्रामा सेंटर अखिलेश यादव जी ने दिया। तो ये आप नहीं कह सकते कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, पिछली सरकारों ने खूब काम किया, लेकिन ये जो सरकार आई 5 साल बाबा जी की सरकार, इस सरकार में उन्नाव के लिए कुछ नहीं किया। वो सिर्फ अपना विकास करते रहे, अपना कार्यालय बनाते रहे और अपना विकास करते रहे, लेकिन उन्नाव के लिए कुछ नहीं किया। दूसरों के किए हुए कामों पर फीता काटने का आरोप आज भी लग रहा है। आइए बात करते हैं, हम हमारे साथ हैं आलोक निगम। आलोक जी, ये बताइए, क्या लगता है कि आपको इस आने वाली सरकार 2021 में किसकी बननी चाहिए? शिवपा जी की पार्टी से मैं हूँ। 2022 में बगैर हमारे नेता शिवपाल जी के सरकार कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से चाचा को वापस लाने के लिए सारी कवायद कर रहे हैं, या चाचा को निमंत्रण भी भेजा जा चुका है, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक जो गठबंधन नहीं हो पाया? कारण कोई बहुत बड़ा नहीं है, हो जाएगा, वक्त आने पे हो जाएगा। उन्नाव की मूलभूत सुविधाएं आज भी वंचित है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो तो सबके सामने है, हर जगह गड्ढे हैं, है ना, लाइनें खुदी पड़ी हुई हैं, लोगों का चलना मुश्किल है, जाम की स्थिति, जो मुख्य चौराहा है उस पर जाम की स्थिति लगातार रहती है, प्रशासन बिल्कुल किसी प्रकार से कोई भी काम में आगे बढ़ के नहीं आता है। आज हमारे साथ एक और बहुत ही मशहूर हस्ती हैं, मुनव्वर राणा जी, जो बहुत ही शायर, बहुत ही फेमस शायर हैं, उनकी बेटी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं जरा। क्या नाम है आपका?
उरूसा राणा। उरूसा, ये बताइए कि आपको यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से प्रभारी बना के कोऑर्डिनेटर बना के भेजा गया है, तो आपने अभी तक उन्नाव में क्या पाया है, क्या क्या कमियाँ हैं और किस तरीके से आप उनको दूर करने की कोशिश करें? जी, पहली बात तो यहाँ गंदगी बहुत है जिससे बहुत बीमारियाँ आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि जहाँ जिस इलाके में, तो गांव-गांव घूम रही हूँ इस वक्त मैं, आज सरोसी में थी, तो गंदगी का तो वो आलम है कि मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में इतनी गंदगी नहीं देखी। दूसरा, लोग पानी की दिक्कत है, बिजली नहीं है बहुत सी जगह, सड़कें ख़राब हैं, मतलब हालात तो बहुत ही बदतर हैं। मतलब इनफैक्ट, क्योंकि ये एक हमारा जो है उन्नाव शहर जो है एक प्रसिद्ध शहर है और कानपुर और लखनऊ के बीच में पड़ता है, तो इसकी ऐसी स्थिति होना बहुत दुर्भाग्य वाली बात है हमारे लिए। आपका और आपका परिवार NRC की वापसी को लेकर काफ़ी प्रचलित हुआ था, मुकदमे भी बैठे थे और सब कुछ हुआ था, तो अब आप क्या चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक NRCCA की बात है, देखिए NRCCA एक बेकार सा मुद्दा था जिसको इन्होंने फालतू खड़ा किया, लोगों को परेशान करना कि भाई आपका देश नहीं है। देखिए BJP का काम, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जो कि इन्होंने ना किसी का विकास किया है ना किसी का साथ दिया। इन्होंने दो अपनी औलादों का साथ दिया है, अडानी और अम्बानी का, हमेशा, और किसी का साथ नहीं दिया है, रही चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो और चाहे वो ब्राह्मण हो, सब पे उत्पीड़न हुआ है और हो रहा है। तो अभी आप उन्नाव की कोऑर्डिनेटर बनाई गई कांग्रेस को प्रियंका गांधी ने कह रखा कि प्रदेश में 40% सीटें महिलाओं के लिए दी जा रही हैं, तो इसको आप क्या 2021 चुनाव में एक बड़ा फैसला मान सकती हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हों, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हों, चाहे वो सोनिया गांधी जी हों, और महिलाओं का बहुत बड़ा वो भी रहा है, पर्सनालिटी रही है हमेशा हिंदुस्तान की, तो बहुत बड़ा, क्योंकि इस वक्त जो है ये फैसला जो इन्होंने ले लिया ऐतिहासिक प्रियंका जी ने, इससे और पार्टियां भी हिल गई हैं, क्योंकि लाजमी महिला जो है खुद सक्षम बनेगी। देखिए, अगर हम सक्षम बनते हैं, हम ताकतवर बनते हैं, तो हम खुद मुकाबला कर सकते हैं, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मां जी, ये बताइए, जिस तरीके से अभी व्यापारियों से लेकर आम जनता के ऊपर महंगाई की मार पड़ी है, उस पर क्या कहना चाहिए? व्यापारियों का आलम यह है, जो रेडीमेड काम था, जो मेरा काम था, आज वो जीरो पर हो गया है। जैसे पहले करोड़ रुपए काम होता था कारीगर, कोरोना के टाइम पर जिनको एडवांस हमने दिया था, वो एडवांस लेकर के मतलब घर में खा गए, अब वो दोबारा आने के लिए तैयार नहीं, वो दिल्ली भाग गए, इसलिए हमने उनको काम नहीं दिया कोरोना में था, अब वो कारीगर आने के लिए तैयार नहीं। मेरा सारा मार्केट में पैसा डूब गया और जिनको मैंने उधार दिया था वो पैसा वापसी नहीं कर पा रहे, मेरा काम एकदम निष्क्रिय हो गया है, हम लोग फुटपाथ पर आ गए, बेरोजगार, एकदम बेरोजगारी चरम पर है। तो 2021 में जो 2022 में जो चुनाव आएंगे, उसमें आप क्या चाहते हैं, किस सरकार चुननी होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं बदलाव हो, कि सबसे बड़ी मेरी जो समस्या, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ पर जो उन्नाव अस्पताल है, यहाँ पर डेली वेजेस की भर्ती हो रही, सरकारी डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं, स्टाफ नहीं, दवाइयाँ नहीं है, यहाँ तक कि मशीनें नहीं है। शहर का हाल ये है, शहर की पानी की निकासी नहीं है, एक तरह से बरसात में DM ऑफिस भीग जाता है, भर जाता है, SP ऑफिस भीग जाता है और पूरा शहर डूब जाता है। सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है, जो आज़ादी से अब तक नहीं हुआ हल, इसका हल हम चाहते हैं, और ये योगी आपकी जो गवर्नमेंट है ये जाएगी इंशाल्लाह, और जो भी गवर्नमेंट आएगी वो उन्नाव के विकास के लिए सोचेगी। चलिए, ये हो गए उन्नाव के विकास की बात, आइए हम साथ एक युवा समाजसेवी हैं, क्या नाम है आपका? राहुल जसवाल। राहुल जी, ये बताइए, 2022 का चुनाव आ गया है, तो किसका UP आप देख रहे हैं, किसकी झोली में जाने वाली है UP? देखिए, UP का जो बात है विकास की, वो कांग्रेस पार्टी ही करेगी। कांग्रेस की पार्टी ने ही पहली बार शिक्षा की बात की, गांव-गांव में नवोदय विद्यालय खुलवाए जो हर जिले में हैं, जो आपको IIT दिखाई पड़ती हैं वो कांग्रेस की देन है, जितने आजकल मेडिकल कॉलेज जो आपको पूरे देश भर में दिखाई पड़ रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। तो जब कांग्रेस आएगी तभी उत्तर प्रदेश का विकास संभव है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली जो सरकारें रही हैं, पिछली सरकारें, उन्होंने कुछ किया हो। कांग्रेस की सरकार में ही लोगों को नौकरियां मिली थी, रोजगार मिला था। आज तो जैसे हमारे भाई ने बताया, मोहम्मद अहमद भाई ने, कि केवल यहाँ पे संविदा पे नौकरी दी जा रही है, किसी को परमानेंट नहीं किया जा रहा है। तो जब कांग्रेस सरकार आएगी तो मुझे ऐसा विश्वास है कि फिर से जो नौकरियां जो बेरोजगारों को नहीं मिल रही हैं वो आने वाले दिनों में मिलेंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा और पूरा उत्तर प्रदेश खुशहाल रहेगा। स्थानीय मुद्दे जो हैं यहाँ पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा की बात करी जाए तो उन्नाव में कोई ऐसा महाविद्यालय नहीं है जहाँ लड़कियाँ MSc की पढ़ाई कर सकें,
30 लाख की आबादी है, यहाँ की बच्चियों को पढ़ने के लिए कानपुर लखनऊ जाना पड़ता है। मुझे भी बड़े मैं शर्मिंदा हूँ उस बात के लेकर के कि मैं जिनको वोट देता रहा उन्होंने इस लायक उन्नाव को नहीं समझा कि यहाँ एक महिला विद्यालय होना चाहिए जिसमें मेरी घर की भी बच्चियाँ हैं, उनके घर की भी बच्चियाँ हैं, वो बच्चियाँ पढ़ती। लेकिन यहाँ पर इससे शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। कहने को ट्रामा सेंटर है, लेकिन ट्रामा सेंटर के क्या हालात हैं ये सबको मालूम है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मामूली सी चोट हो जाती है, मामूली सी बीमारी हो जाती है तो लोगों को कानपुर और लखनऊ में इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। 2022 में आइए हम जानते हैं कि क्या होने वाला है। 2022 में क्या अखिलेश जी फिर से साइकिल चलाएंगे? 2022 में सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है जिस तरीके से छोटे छोटे दलों से गठबंधन हो रहा है, अभी तक कुछ पार्टियां रह गई, बड़ी पार्टियों में देखा जाए तो कांग्रेस रह गई है या कई भी अन्य दल रह गए हैं, क्या ये भी एक साथ आएंगे आपकी पार्टी? समाजवादी पार्टी सिर्फ छोटे दलों से समझौता करेगी, समाजवादी पार्टी किसी राष्ट्रीय पार्टी से समझौता या गठबंधन नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी छोटे छोटे लोगों को लेकर सबका साथ सबका विकास, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी सभी छोटे दलों को लेकर। जितने भी छोटे दल आएंगे समाजवादी पार्टी के साथ सबका स्वागत है, लेकिन समाजवादी पार्टी किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ कोई गठबंधन कोई समझौता नहीं करेगी। 2017 में शायद कांग्रेस के साथ समर्थन हुआ था राहुल जी के साथ, तो इस बार क्या कारण माना जा रहा है कि राष्ट्रवादी पार्टी के साथ आप नहीं करना चाहेंगे? 2017 में जो हुआ था उसका अनुभव और या खट्टी मीठी जो उसका रिजल्ट था हम लोगों को मिल चुका है, तो हम इस बार सिर्फ छोटे दलों के साथ समझौता करेंगे, बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं। आइए जानते हैं कांग्रेस की क्या राय है। जी बताएं कि क्या कांग्रेस इस बार किसी के साथ गठबंधन करके किसी के साथ जाएगी या अपना अकेले ही स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए? वो अकेले ही सक्षम है कांग्रेस पार्टी, जिस हिसाब से पार्टी ने एक मोड़ लिया है आप देख रहे हैं इस वक्त। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो इस वक्त मैदान में आपको दिख रही होगी, चाहे वो लखीमपुर वाला केस हो, चाहे किसानों का केस हो, और चाहे वो लड़की के साथ ये आपका जो उन्नाव वाला कांड हुआ था हाथरस वाला, सब में अगर कोई दिख रहा है तो प्रियंका गांधी दिख रही है मैदान में। और जहाँ तक प्रियंका गांधी जी की बात है तो लोकप्रिय नेता हैं वो हमारी, और उनको मेरे ख्याल से मेरी पार्टी को भी ज़रूरत नहीं है किसी की, क्योंकि वो खुद पर एक सक्षम और बड़ी पार्टी है। अगर होगा वो हमारी जो हाई कमांड फैसला लेगी वो हम लोग को मंजूर। आपको क्या लगता है जिस तरीके से कमान संभाली है प्रियंका गांधी ने, हुजूम का हुजूम, कई उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई लोकप्रियता से कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों में डर सा बैठ गया है? वो जिस तरह से हम तो उनको कहते हैं कि शी इज माई टाइग्रेस, वो टाइग्रेस हैं वो, जिस हिसाब से मतलब हमें तो होते हैं कि जो नेता हमारे जो मतलब मेल में हैं वो इतना खुल के सामने नहीं लड़ रहे हैं जिस हिसाब से प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं। आपने देखा था हम तो क्योंकि वहाँ पे थे जिस दिन उनको अरेस्ट किया गया है लखीमपुर में, तो मैं उन्हीं के साथ थी प्रियंका जी के साथ, तो उनको कैसे खींच के बिठाया गया और क्या क्या हुआ, हम लोग पीछे से भाग रहे हैं, तो जिस हिसाब से वो लड़ रही हैं बिना किसी डर के बिना किसी उसके, तो बहुत मतलब हैट्स ऑफ करना चाहिए ऐसी लेडी को। और वो देखिए वो इंदिरा गांधी जी का खून है जिन्होंने बलिदान दिया, और देखिए चाहे आप किसी भी पार्टी को ले लिए, बलिदान अगर किसी पार्टी ने दिया है किसी ने दिया है तो गांधी परिवार ने दिया है इस देश के लिए। ये था 2022 को लेकर चुनावी चौपाल। आप बने रहिए तब तक यूपी तक के लिए। धन्यवाद।